डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल द बेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हम कंपाउंड और मिक्सचर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के जानने से पहले हम ये जानेंगे कि एटम क्या होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम। एटम के अंदर जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के राउंड अबाउट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं एंड न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की जितनी भी तादाद है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज मास नंबर। चलते हैं जी, बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है एटॉमिक नंबर, तारीफ की तरफ देखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in a nucleus of an atom is known as atomic number. Point to be learned. अब इस atomic number की related वो बातें जो आपने याद रखनी है, जो बातें आपने learn करनी है, that's all. Atomic number represented by the atomic number को हम Z से represent करते हैं. The symbol Z, ये जो atomic number के लिए specific Z है, ये हम क्यों use करते हैं? The symbol Z stands for Zahl. Zahl is a German word meaning number. जो Z है ये जर्मन वर्ड Zahl से डिराइव किया गया है और Zahl का मतलब है नंबर। The word atom Zahl was used as atomic number. Atomic number is also called proton number because जितने भी प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनकी तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। सो हम एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं। इन केस ऑफ अ न्यूट्रल एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर एक एटम न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मास नंबर। डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उनकी मजमूई तादाद को हम बोलेंगे कि ये हमारा मास नंबर है। पॉइंट्स टू बी लर्न्ड, मास नंबर के रिलेटेड जो बातें आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से। द सिंबल ए इज डेराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड एटॉमिक वेट मीनिंग मास नंबर। जो वर्ड ए है स्पेसिफिक हम मास के लिए, मास नंबर के लिए यूज करते हैं, वो कि जर्मन वर्ड एटॉमिक वेट मीनिंग मास नंबर से डिराइव किया गया है। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियॉन्स। हमारे पास न्यूक्लियॉन्स कौन से होते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं उनकी मजमूई तादाद को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं और उन्हीं को ही हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं और उन्हीं को ही हम मास नंबर भी बोलेंगे। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आता है जी मास नंबर। ये मैंने डायग्राम बना के समझाया है कि जो एक्स होगा ये कैपिटल एक्स है, दैट यूज फॉर एब्रिविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर, मास नंबर किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है उस एलिमेंट के सिंबल के साथ। तो ये जो एक्स है दैट इज एब्रिविएशन यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सिंबल यूज करेंगे। जिस तरह के सोडियम के लिए Na होगा, क्लोरीन के लिए Cl होगा, हाइड्रोजन के लिए H होगा। इस सिंबल के जो राइट साइड है ऊपर वहां पे A होगा और नीचे Z होगा। A फॉर मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड Z फॉर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम कार्बन को देखते हैं, फॉर कार्बन मास नंबर इज इक्वल टू 12 एंड एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6 C6 12, दैट इज मास नंबर एंड 6 इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का आपस में रिलेशन क्या है? फॉर अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं तभी कोई एटम न्यूट्रल होगा। तो फॉर अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हियर n फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a माइनस z, a फॉर मास नंबर एंड z फॉर एटॉमिक नंबर। यहां तक था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।